Uh, अभी तक हमने जो कैपेसिटी प्लानिंग की टेक्निक्स यूज की हैं uh, वो चाहे कितनी भी सोफिस्टिकेटेड हो uh, उनकी एक्यूरेसी प्लैंड और एक्चुअल के अंदर देयर विल बी अ डिफरेंस बहुत कम होगा कि बिल्कुल एक्यूरेटली सारा काम चल रहा है विच इज डिजायरेबल बट यूजली इसके अंदर फर्क आएगा एक्चुअल और प्लान के अंदर इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो डिफरेंस आ रहा है मैनेजमेंट उसको एड्रेस करे उसको देखे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करे या रिड्यूस करने की कोशिश करें uh, इसके अंदर एक अप्रोच uh, है विच इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट कंट्रोल इट्स वेरी पॉपुलर अप्रोच टू विच इज यूज टू मॉनिटर दिस डिफरेंस बिटवीन प्लैंड एंड एक्चुअल जो हमारा uh, ये इनपुट और आउटपुट हैं uh, अगर हम देखें एक वर्क सेंटर के अंदर देयर इज एन इनपुट एंड देर इज आउटपुट इनपुट ये है बेसिकली डिपेंड uh, करती है जो आपके कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस है उसके बेसिस के ऊपर ये इनपुट कितना होगा इस वर्क सेंटर में uh, आउटपुट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क सेंटर मैं उसकी जरा थोड़ी एग्जाम्पल दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल uh, जो प्रोडक्ट सी है हमने देखा उसके दो ऑपरेशन है वर्क सेंटर 200 हंड्रेड एंड देन ऑपरेशन ऑन वर्क सेंटर 300 हंड्रेड इफ यू लुक एट वर्क सेंटर 300 तो हम ये देखते हैं कि जो इसके इनपुट है वो वर्क सेंटर 200 से इनपुट आ रहा है सी uh, का के उसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म हो अब ये जो हमने प्लान किया हुआ कैपेसिटी प्लानिंग उसके बेसिस के ऊपर ये हमारा एक हमने प्लान इनपुट किया हुआ है आउटपुट जो है इसका वो ऑब्वियसली इस वर्क सेंटर के आ, जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसके बेसिस के ऊपर आउटपुट निकलेगा इनपुट कितना आ रहा है हमने प्लान किया है से Uh, के फोर्टी यूनिट्स होने चाहिए लेकिन हो सकता है कि टू हंड्रेड में वर्क सेंटर टू हंड्रेड में uh, कुछ यूनिट्स कुछ कंपोनेंट्स डिफेक्टिव uh, हो जाए प्रोडक्टिविटी लो हो जाए uh, उसके इक्विपमेंट ब्रेक डाउन हो जाए तो जो इनपुट प्लान हमने किया था फॉर वर्क सेंटर थ्री हंड्रेड अब वो इनपुट नहीं होगा उसमें फर्क आ जाएगा आ, कम हो जाएगा टाइम डिले हो जाएगा एंड सोन so अब एक बार ये इनपुट आ गया है अब वर्क सेंटर के नेचर क्या है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है कम हो गई है उसमें इक्विपमेंट की फेलियर हो गई है आ, उसके अंदर आ, कोई और रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आ, जो आउटपुट है वो प्लैंड आउटपुट से डिफरेंट हो जाए तो इसलिए मैनेजमेंट को की जरूरत है कि मैनेजमेंट ये जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन प्लैंड एंड एक्चुअल इन इनपुट एज वेल एज इन आउटपुट उसको वो स्टडी करें और उसको एड्रेस करें कि उसको ये जो कॉजेज उनको किस तरह रिमूव कर ये जो डिफरेंस है इसको रिड्यूस किया जाए जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट जो है वर्क uh, सेंटर्स uh, uh, उसके अंदर जो आउटपुट uh, है वो बेसिकली उसके प्रोसेसिंग रेट के बेसिस के ऊपर डेवलप uh, होती है uh, जो जिसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है वर्क सेंटर्स के ऊपर कैपेसिटी का तो बेसिकली होना यह चाहिए कि इनपुट जो है उतने ही आउटपुट निकले यानी कि वर्क सेंटर थ्री के ऊपर अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है लोड का तो अगर 40 यूनिट्स के इनपुट आ रही है तो 40 यूनिट्स की ही आउटपुट निकलनी चाहिए एज प्लैंड लेकिन क्योंकि अगर उसके ऊपर कंस्ट्रेंट है जैसे कि मैंने uh, हमने देखा था कि के, uh, पिछले केस के अंदर जो डिफरेंट लोड्स वर्क सेंटर 300 के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थे उसकी वजह से वो उसमें कंस्ट्रेंट आ रहा था तो उसकी वजह से फिर उसके आ, प्रोसेसिंग रेट के मुताबिक आउटपुट निकलेगा आ, जो इसके अंदर बेसिकली डिफरेंस आएगा आ, उसको ये जो इनपुट के अंदर और आउटपुट के अंदर जो डिफरेंस आएगा उसको फिर हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आ, इसके अंदर हमने देखा कि वर्क सेंटर टू से वर्क सेंटर थ्री के अंदर जो इनपुट आया है वो वर्क uh, सेंटर 200 का आउटपुट था सो uh, so, uh, एक वर्क सेंटर का आउटपुट बिकम्स इनपुट फॉर अनदर वर्क सेंटर सो उसके अंदर जो बेसिकली प्लानिंग जो की होती है वो एक्चुअली uh, जो हो रहा होता है एक्सिक्यूशन उसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर फर्क आ जाता है बिकॉज वन इज इनपुट वेयर एज इट इज द आउटपुट ऑफ द अदर वर्क सेंटर